हमारा अगला सवाल है, आज के युवाओं को निवेश करने के आपकी क्या सलाह होगी? महेश जो, आप अपनी राय देंगे इस पे? या सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि यू नो टुडेज जनरेशन इज लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स आई फील। इनके पास ना केवल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, इनके पास कंफ्यूज करने के लिए बहुत ऑप्शन भी है। लेटेस्ट स्मार्टफोन्स, एयरबॉड्स, स्मार्ट वॉच एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट। सो इन लोगों को अगर बोलो कि सेव करो और इन्वेस्ट करो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी अगर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जितना जल्दी ये अपनी लाइफ में ला पाए उतना अच्छा होगा। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग की हैबिट को इनकलकेट करें, फोर्स करें अपने आप को कि इन्वेस्ट करने के लिए, और डिसाइड करें एक अमाउंट हर महीने इतना सेव करना ही। तो सक्सेसफुल हैबिट्स में एक हैबिट है जिसे बोलते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब पहले बचत करो और फिर खर्चा करो, ना कि पहले खर्चा कर दिया और फिर जो बचा उसमें बचत करें। फोर्स इन्वेस्टिंग का एक बेस्ट तरीका है स्टार्ट SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ऑटोमेटिकली हर मंथ आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सेकेंडली, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फॉर यंगस्टर्स की एज एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपके साइड में है। अगर आप 20-25 साल की एज से इन्वेस्ट करना चालू करते हैं तो आपके पास 30 से 40 साल हैं जिसमें आपका पैसा कंपाउंड होगा, आपका पैसा, आपकी वेल्थ बढ़ेगी। कंपाउंडिंग का बेनिफिट हर्षिता ऑलरेडी बता चुकी है। सो बहुत डिफिकल्ट नहीं है 100 करोड़ बनाना इफ यू स्टार्ट नाउ। मैंने इन्वेस्टिंग ना बहुत गलतियां करके सीखा है। आई हैव लर्न इन्वेस्टिंग अ वेरी हार्ड वे। समटाइम्स आई विश कि काश मुझे किसी ने ये बताया होता जब मैं 20-25 साल का था। तो एक चेकलिस्ट पे मैं एम्फोसाइज करूंगा जो कि यंगस्टर्स को ध्यान देनी चाहिए कि SIP, टैक्स प्लानिंग, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये अगर चार चीजें आप इन पे ध्यान शुरू से ध्यान दें तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मोस्टली सॉर्टेड रहे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि शेयर मार्केट को ATM मशीन ना समझें। डोंट ट्राई टू मेक क्विक मनी इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो कंपनी की रिसर्च करना सीखो। एक कंपनी का शेयर खरीदना मतलब आप उस कंपनी के पार्टनर हो। इट इज सिमिलर टू रनिंग अ बिजनेस। बिफोर इन्वेस्टिंग इस बिजनेस के प्रमोटर के बारे में रिसर्च करो। आप अगर आपको बिजनेस समझ आता है या प्रमोटर अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट करो शेयर में। केवल शेयर प्राइस देख के कि ये कम हो गया है कि बढ़ गया है आप वो शेयर लेंगे तो वो गलत है। डोंट चेज द शेयर प्राइस। थैंक यू। थैंक यू महेश आचू फॉर दिस वंडरफुल पीस ऑफ एडवाइस। हर्षिता, आपकी क्या सलाह होगी? सो लॉट ऑफ यंग पीपल कीप आस्किंग मी कि हम कब इन्वेस्ट करें, कब स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट करना। आंसर इज नाउ। तो जैसे महेश भाई ने बोला, वाई? बिकॉज एज इज बाय योर साइड एंड आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। ना हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी लाइफ स्टाइल में फोन बहुत इंपॉर्टेंट। लेट मी गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब iPhone 2007 में लॉन्च हुआ था तब उसकी प्राइस थी करीबन $500 और उसी समय एप्पल की शेयर प्राइस थी $18। तो अगर आपने वो पैसे आईफोन लेने की जगह एप्पल के शेयर में लगाए होते तो आज आपके पास में उतने रुपए हो जाते कि आप एक ऑडी खरीद सकते थे। सो प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। थैंक यू। वेरी वेरी गुड पॉइंट। थैंक यू सो मच हर्षिता। शैलजा चाची, आपकी क्या सलाह होगी? थैंक यू स्वाति जी। एक रूल है जिसके हिसाब से 100 माइनस योर एज जो रिजल्ट हो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, उतना प्रतिशत हमें इक्विटी में निवेश करना चाहिए। जैसे अगर आप 25 उम्र के हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 75% आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी में अच्छा मुनाफा मिलता है लेकिन ये रिस्की भी है। इसका उपाय है म्यूचुअल फंड्स। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां हम एक बार में अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे हमारा रिस्क कम होता है। अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम अपने पैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी में लगाते हैं और वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन कंपनियों के पास अपने सक्षम फंड मैनेजर्स होते हैं जिनको हैंडल करते हैं। फंड मैनेजर्स अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। स्टॉक्स का इतिहास देखकर, उसके पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस को देखते हुए ही निर्णय लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स का एक और फायदा है, आपको बहुत पैसे एक बार में नहीं चाहिए। जैसे कि महेश भैया ने बताया,
हम हर महीने छोटी छोटी अमाउंट डालकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसे सिप कहते हैं। दैट इज व्हाट आई थिंक। थैंक यू स्वाति जी।